जी ने क्वेश्चन पूछा है 7:19 पर। ठंडी में फटे ओट की चमड़ी दांत से निकालने चबाने की वजह से नीचे के ओट पर सफ़ेद रेड जैसा दाग आया है, उसके लिए कुछ एडवाइस करो प्लीज़। कि नीलेश जी देखिए, इस तरह से बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, लेकिन इस तरह से अगर आपकी ओट की चमड़ी पिंक हो गई है तो कई बार विटिलिगो नाम की एक बीमारी है, स्किन का कंडीशन है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो विटिलिगो की शुरुआत भी इसी तरह से होती है। तो लेट्स होप कि आपको विटिलिगो नहीं है करंटली। तो आप ये कर सकते हो ताकि वो स्किन वापस रीजेनरेट हो और वो स्किन का कलर वापस आ जाए, उसके लिए आप करंटली वी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। आप फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार स्टार्ट कर दीजिए, इसको 10 दिन के लिए लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि स्किन का कलर कैसे हो गया है। अगर आपका स्किन का कलर नॉर्मलाइज हो गया है तो फिर जस्ट फॉरगेट इट। इनकेस अगर 10 दिन आप फोलिक एसिड लेते हो और फिर भी आपका स्किन का कलर नॉर्मलाइज नहीं हुआ है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर मिलना पड़ेगा, जो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉयड की टैबलेट्स का कोर्स कराएंगे, जिससे वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। फोलिक एसिड के साथ साथ आप प्लीज़ अच्छा क्वालिटी वाला लिप बाम या लिप क्रीम, देखिए जनरली तो मैंने अच्छे, मैं खुद जो यूज़ करती हूँ वो मैं वैसलीन का जो आता है लिप बाम वो मैं यूज़ करती हूँ और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत इफ़ेक्टिव है। वाइट कलर की ट्यूब आती है, ब्लू कलर का ढक्कन है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। स्पेशली रात को सोने से पहले थोड़ा सा थिक लेयर ऑफ लिप बाम आप लगाइए और फिर सो जाइए, तो मॉर्निंग में आपकी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी और एक्सेसिव आपके लिप्स पे ड्राई और डेड स्किन नहीं रहेगी। ओके okay?